मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, और एक बार इस शनिवार में जो स्पेशल हम डालते हैं नए नियम के सवाल, इस भाग में आपको मिलने में मैं खुश हो जाती हूँ। मैं खुश हूँ। प्रभु आपको आशीष करें। प्रभु अपना वचन के द्वारा हमें आशीष करते हैं। प्रभु का हर एक आशीष उनका वचन का अंदर रहता है, इसलिए प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर इस सब सारी बातों को ऊपर अपना वचन को महत्व दिया है। फर्स्ट प्लेस प्रभु का वचन को प्रभु ने दिया है, क्योंकि हम बाइबल में पढ़ते हैं जो जो यहोशु को प्रभु बताया और मूसा को बताया, एक एक लोगों को प्रभु ने बताया है, मेरा वचन को तुम्हारे हृदय के अंदर रखो, उसके अनुसार चलो, आंखों के सामने उसको रखो, उसके बारे में सोचते रहो। मेरा वचन तुम्हें हर एक क्षेत्र में सफल होने के लिए मदद करेगा करके प्रभु ने बोला। इसलिए वचन की सेवकाई के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हर एक सेवकाई अच्छा है, बहुत अच्छा है। हर एक सुसमाचार का काम करने वाला प्रभु की सेवकाई करते हैं। हर एक सेवकाई जो जो अलग अलग सेवकाई है सब में प्रभु प्रसन्न रहते हैं। वचन की सेवकाई सबसे अच्छा सेवकाई है वो, क्योंकि वचन जानकारी हम जीवन में हमारा जीवन बदलता है, जीवन में हमारा मनोभावना बदलता है, तब हमारे जीवन में हमारे लिए आशीष का मार्ग खुल जाता है, हम अच्छा से उसमें हम चल सकते हैं। ठीक है, आज हम ये एक सवाल पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 4वां वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 9:4। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? प्रिय भाई बहनों, इधर एक अद्भुत काम होते हुए हम देखते हैं। इस भाग में पढ़ेंगे एक व्यक्ति को, वो लकवे के रोग एक व्यक्ति को था, उसको उनके दोस्त लोग लेके आ रहे हैं छत से, उसको छत को खोल कर वो लोग उसका बिस्तर को नीचे उतार कर प्रभु के पास रख कर चंगाई उस व्यक्ति को हो जाता है। तब प्रभु एक वचन कहता है, पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। ये बोलते ही इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। इसको देखकर यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? प्रिय भाई बहन, हम एक दूसरों की विचार को हम नहीं जान सकते हैं। हम जब बात करते हैं, हमारा क्रिया, हम एक्शन करते हैं, जो जो करते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं, उसके द्वारा हमारा मन का अंदर जो विचार है प्रकट होता है। नहीं तो कोई भी व्यक्ति दूसरा व्यक्ति का मन में क्या चल रहा है पूरा पूरा जान नहीं पाएंगे, थोड़ा बहुत जान सकते हैं ऐसे सोचता हो करके, लेकिन हम जान नहीं पाएंगे। परमेश्वर ऐसे हमें इधर रखा है, क्योंकि ये गिरा हुआ दुनिया है, मन मनुष्य का हृदय में, मतलब मन में कई बार बुरी विचार भरी रहती है। इसलिए अब एक दूसरे को विचार को हम जान पाएंगे तो इधर बहुत हड़बड़ी होगा, बहुत हड़बड़ी होगा इस दुनिया में एक बार। लेकिन परमेश्वर जानते हैं, परमेश्वर के बारे में कहता है बाइबल, परमेश्वर हृदय की गहराई को भी जानते हैं। जो विचार हम विचार करने के पहले, क्योंकि भजन संहिता में लिखा है 139 ऐसे लिखा है, प्रभु मेरे मुंह में जो शब्द बाहर आता है उसके पहले आप उसको जानते हैं। मतलब क्या है, मुंह का शब्द कहाँ कहाँ से आता है
जब हम विचार करते हैं हम बोलते हैं, इसका मतलब परमेश्वर हमारे विचारों को वो जानता है, हृदय की गहराई को जानता है। हम कभी कभी हम एक विचार कर सकते हैं, बात में दूसरा बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे इंटेंशंस, विचार का पीछे क्या है, ये सब अच्छा से प्रभु जानते हैं। इधर इसलिए ये लोग विचार कर रहे हैं, शास्त्री लोग, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह उनके विचारों को जान लिया है, क्योंकि वो परमेश्वर था, वो जान लिया था। इसलिए वो ये सवाल पूछ रहे हैं, बुरा बुरा विचार क्यों कर रहे हो करके प्रभु ने बता रहे हैं। एक बार स्वर्ग में जाके आए हुए कोई कोई प्रभु के बच्चे लोगों की गवाही में कभी कभी सुनती हूँ। वो लोग, एक दो लोग बोले हैं, दो तीन लोग बोलते हुए मैं देखा, सुना। वो लोग क्या बोलते थे, स्वर्ग में जब हम जाते हैं एक का विचार दूसरों को पता चल जाता है, मुंह खोलकर बोलने के पहले ही पता चल जाता है क्या क्या विचार एक एक अंदर चलता है, पता चलता है। हम कोई कोई व्यक्ति बोलते हैं, कोई कोई प्रभु के बच्चे लोग उधर जाके आने वाले बोलते हैं, हम मन में सोचते हैं दूसरा व्यक्ति जो हमारे सामने है, जो स्वर्ग में है, वो जान लेते हैं, वो बोलते हैं उसके अनुसार। मन से ही हम बात कर सकते हैं, मुंह खोलकर भी बात कर सकते हैं, हमारे विचार से भी हम बात कर सकते हैं, क्योंकि हम एक दूसरों के विचार को हम जानते हैं। जैसे हम पेपर में टाइप करते हैं, पेपर में अभी हम व्हाट्सएप भेजते हैं, अब मोबाइल में व्हाट्सएप में क्या है, हम आवाज नहीं करते हैं उधर, हम टाइप करते हैं, वो टाइप करते हैं तो वो उधर कहाँ पहुँचाना है, वो पहुँचा देता है व्हाट्सएप हम चाहते हैं तो। वो केवल उस मोबाइल में लिखा हुआ शब्दों में है, अक्षर में है, उसके लिए शब्द नहीं है, लेकिन हम जान सकते हैं व्हाट्सएप अब जो भेज रहे हैं वो क्या सोच रहा है, क्या सोच के वो भेजा गया वो हम जान सकते हैं। वो व्हाट्सएप में हम कोई पेपर में कुछ लिखते हैं, हम पढ़ेंगे तो भी पता चलता है, शब्द बोलने बगैर भी हम एक दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम एक दूसरों के साथ संबंध रख सकते हैं शब्द बोलने बगैर। ऐसे ही हेवन में स्वर्ग में ऐसे बोल रहे हैं, विचार हम एक दूसरे का विचार को जानते हैं, क्योंकि स्वर्ग में देखिए उसमें गड़बड़ी नहीं होगा, क्योंकि हम सब पवित्र रहेंगे, प्रेम से भरे हुए रहेंगे, प्रभु जैसे रहेंगे, इसलिए हमारा विचार पूरा अच्छा रहता है। लेकिन इस दुनिया में रहते हुए हमारा विचार बुरा बुरा विचार हम करते हैं कभी कभी। प्रभु के बच्चे लोग कोई कोई सोचते हैं, प्रभु के बच्चे लोग तो ऐसे क्यों, ऐसे सोच सकता है क्या, ऐसे सोचे नहीं। प्रिय भाई बहन, हमको मालूम है हमारा आत्मा प्राण शरीर तीन है, हमारा भाग, हमारा हम मतलब हमारा आत्मा, हमारा शरीर और प्राण। इसमें जब हम उद्धार पाते हैं, हमारा आत्मा पूरा पूरा पवित्र हो जाता है, प्रभु उसको नया कर देते हैं, नई सृष्टि बन जाते हैं, लेकिन हमारा प्राण मन जो हृदय है ये बदलता नहीं है, बदलता नहीं, वो ऐसे ही रहता है, शरीर भी बदलता नहीं है। लेकिन जिस दिन से हम उद्धार पाए, उस घड़ी से, उस क्षण से हम हमारा मन को बदलते जाते हैं, बदलते जाते हैं, बदलते जाते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार बदलते जाते हैं। प्रभु कैसे चाहते हैं वैसे हम अपना विचार को बदलते 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 जाते हैं। सोल, अंग्रेजी में सोल बोलते हैं, हिंदी में प्राण बोलते हैं। यही इसलिए पत्रस को भी देखिए, पत्रस एक प्रेरित था, प्रभु से बुलाया हुआ, सब अपना नौकरी, सब अपना सब कुछ छोड़ कर प्रभु का पीछा किया, 3.5 वर्ष उसके पीछे पीछे जहाँ भी वो जा रहा था। तब प्रभु क्रूस के बारे में, क्रूस में उसको यीशु मसीह कष्ट उठाने वाले हैं करके प्रभु यीशु बोलते हैं, बोलना शुरू किया तो पतरस क्या किया, प्रभु अलग से लेके गया प्रभु को, प्रभु आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, आपके साथ ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। तब प्रभु ने बोला है, मोड़ कर देकर, पत्रस को देकर बोला है, शैतान मेरे पीछे जाओ, तुम परमेश्वर के लिए जो
अच्छा है, वो नहीं सोचते हो तुम, इस दुनिया का जैसे सोचते हो, तुम्हारा सोच विचार अच्छा नहीं है करके परमेश्वर डांटता था। ऐसे ही परमेश्वर के बच्चे लोग, हम हमारा अंदर भी बुरी विचार आ सकता है। हम नहीं वो सोच सकते हैं। शास्त्री लोग, बहुत सदुकी लोग, फरीसी लोग, शास्त्री लोग यीशु मसीह का बैरी थे, इसलिए ऐसे वो लोग के लिए विचार आया करके हम नहीं सोच सकते। सबका अंदर बुरी विचार कभी ना कभी आ सकता है, इसलिए हम उसका ऊपर कैसे जय पाएंगे। प्रभु इधर बोलते हैं, वो बुरा विचार क्यों कर रहे हो करके प्रभु ने बता रहे हैं। और वो मैं बोल रही थी ना, स्वर्ग में जो कई लोग जाके आए वो लोग बोल रहे थे, स्वर्ग में हम विचार से भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। अभी एक बहन बोल रही है अपना गवाही, वो स्वर्ग से प्रभु इधर आ गई, आने के बाद में थोड़े महीना, वो थोड़े दिनों तक, महीना नहीं है, थोड़े दिनों तक उसका ऐसे स्वर्ग में वो कहीं थोड़े समय रह के आई ना, इसलिए स्वर्ग में रहता मैं रहता हूँ करके ऐसे एक महसूस हो रहा था। इस दुनिया के साथ उसको संबंध रखने के लिए थोड़ा दिन लगा, क्योंकि स्वर्ग में जाकर इतना महिमा सब कुछ देख के प्रभु को देख के आने के बाद में उसको इस दुनिया में लोगों से बर्ताव करने के लिए, व्यवहार करने के लिए थोड़ा कष्ट लगा थोड़ा दिन। तब वो बोल रही है, पहले थोड़ा दिन जब जब स्वर्ग से वो आई, इधर आ गई, पहले थोड़ा दिन उसको लोग क्या क्या सोचते थे कभी कभी उसको पता चल जाता था। वो उसके साथ काम करने वाला, वो जो बागर में इसके लिए दोस्त जैसे थे, लेकिन कभी कभी वो लोग जो विचार करते इस बहन के बारे में वो उसको पता चल जाता था। इसलिए उसको बहुत ये लगा, संकट लगा, प्रभु ऐसे मैं पागल हो जाऊंगी ऐसे, जो मेरे सामने बैठने वाला का विचार मुझे, मैं जानती हूँ तो कंटिन्यूस ऐसे हो जा रहेगा तो मैं पागल हो जाऊंगी करके प्रार्थना करने लगी। फिर वो महसूस चला गया, वहाँ से उसका विचार को वो बात में वो नहीं ले पा, मतलब नहीं जान पाई, वही नॉर्मल गया। इधर हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों, हमारा मन को हमको बदलना है। बुरा विचार से हमारा मन भरते रहेगा तो वो क्रिया में प्रकट होगा, शब्दों में प्रकट होगा, क्रिया में प्रकट होगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा। इधर प्रभु को देखिए, प्रभु बोलते हुए हम देख सकते हैं इस संभव में प्रभु बोल रहे हैं, तुम लोग अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सगज क्या है? यह कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। जान लो प्रिय भाई बहन, कई बार हम सही जानकारी के बगैर हम कभी कभी बुरा विचार से भर जाते हैं। हमारे सामने जो रहते हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी लोग वो, चर्च में आने वाले, हमारे साथ रहने वाले भाई बहन भी वो, हम सही रीति से जानने बगैर हम कई समय में उन लोगों के बारे में हम बुरा विचार से हम अपने आप को भरते रहते हैं। यही प्रभु इधर बोलते हैं, वो लोग को मालूम नहीं, शास्त्री लोग, फरीसी लोग, सदूकी लोगों को मालूम नहीं मसीहा है, ये परमेश्वर का पुत्र है, वो मालूम नहीं। और परमेश्वर का पुत्र मनुष्य बनकर मसीहा के रूप में इधर आए हैं करके वो लोग को जानकारी नहीं था। इसलिए कहीं भी यीशु मसीह जाता था वो लोग पीछे पीछे जाके जाके वो कुछ ना कुछ दोष लगाते रह रहे थे। वो लोग सोच रहे थे ये बहुत बड़ा राजा बन जाएगा लग रहा है, इतना भीड़ भीड़ उसके पीछे जाते रहता है, इतना बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करता है। वो रोमियो का राज्य के नीचे वो लोग रहते थे, ये लोग रोमियो रोमियो लोग, सदुकी लोग, फरीसी लोग, ये लोगों को, शास्त्री लोगों को अच्छा अच्छा पद में वो लोग रखे थे। ये लोग सोच रहे हैं यीशु मसीह आकर ये सब कर रहे हैं, हमारा पद चला जाएगा, हमारा नाम चला जाएगा, ऐसे ऐसे वो लोग उसके बारे में सोच रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह इसके लिए थोड़ी आया,
सदकी लोगों को, फरीसी लोगों को, शास्त्री लोगों की पद को छीनने के लिए, नहीं तो एक सिंहासन में राजा के रूप में बैठने के लिए। वो लोग ऐसे सोच रहे थे, लेकिन परमेश्वर साफ साफ बता दिया लास्ट में, मैं मेरा राज्य ये इधर का नहीं है, अभी मैं बलिदान होने के लिए आया हूँ करके प्रभु ने बता दिया है। लेकिन वो लोग वो जानने बगैर, ये मसीहा करके जानने बगैर वो लोग सोच रहे ये क्या है, केवल परमेश्वर पाप क्षमा कर सकता है, ये अपना अपना आपको परमेश्वर के समान को ये व्यक्ति क्यों कर रहा है, ऐसे वो लोग सोच रहे थे। कभी कभी ऐसे हम जानने बगैर कभी कभी बुरी विचार से मर जाते हैं। शाऊल को देखिए, शाऊल राजा, दाऊद कितना अच्छा व्यक्ति था, दाऊद कभी भी अपना आपको ऊंचा उठाने के लिए कुछ भी नहीं किया। वो जो अपना भाई लोगों के लिए कुछ खाने के लिए कुछ लेके आया घर से, वो लोग युद्ध के मैदान में थे गोलियात के सामना करने के लिए, गोलियात को सामना करने के लिए वो लोग उधर थे। दाऊद कभी भी सोचा नहीं मैं अभी जाऊंगा उधर, बहुत बड़ा हीरो बनकर आऊंगा, हीरो जैसे मैं अपना आपको दिखाऊंगा, कुछ भी नहीं सोचा। वो केवल खाना देने के लिए आया, लेकिन जब ऐसे अवसर हो गया, ऐसे परिस्थिति आ गया, तो वो उठना पड़ा, गोलियात को मारना पड़ा। और इतना ही नहीं है, जब गोलियात का सिर, काटा हुआ सिर इसके हाथ में है, शाऊल के साथ वो आ रहा है देश का अंदर युद्ध जीत कर, तब स्त्री लोग ने, वो लोग आए शहर का अंदर से, वो लोग आकर गीत गाकर नाच के आ रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं शाऊल तो 1,000 को ही मारा, लेकिन दाऊद तो 10,000 को मार दिया, ऐसे गीत गा रहे हैं। ये सब दाऊद ने कुछ बनाया नहीं है, दाऊद कुछ स्त्री लोगों से पता के नहीं रखा, मैं जब हम आओ मैं आऊँगा अब तब अब आप लोग ऐसे गीत गावा। लेकिन शाऊल को देखिए, ये सब सुनकर शाऊल उसको इतना बहुत बैर किया, बहुत कड़वाहट से भर गया, गुस्सा से भर गया, दाऊद को मार डालने के लिए कई साल वो जंगल में उसके पीछे पीछे आ रहा था। दाऊद भी जंगल में भागना पड़ा, अपना बेटा योनातान को शाऊल राजा बता रहा है कि तुम जानते नहीं हो बेटा, दाऊद तुम्हारा पद को छीनने में है, अगले राजा वही बनेगा, तुम नहीं बन पाओगे, उसके लिए वो बड़ा है, उसका राजा बनने के लिए वो चाहता है, इसलिए पीछे पीछे ऐसे ही राजा बनने के लिए चाहत रखकर ऐसे ऐसे कार्य कर रहा करके देख बोल रहे हैं। लेकिन जो शाऊल सोच रहा है, एक भी चीज दाऊद का जीवन में नहीं था। प्रिय भाई बहन, कई समय में हम दूसरों लोगों को जानने बगैर हम ऐसे बोल देते हैं। एक बार यीशु मसीह के बारे में भी फरीसी लोग बोलते थे, ये कोई 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 बोलते ये मसीहा होगा क्या, ऐसे बोल रहे हैं। तब फरीसी लोग बोल रहे हैं नहीं, मसीहा नासरत से थोड़ी आएगा, गलीलिया में जो गलीली में जो नासरत थे, नासरत से थोड़ी आएगा, वो तो बेतलहम से आएगा करके लिखा है। लेकिन वो लोग को सही जानकारी नहीं था, प्रभु यीशु मसीह बेतलहम में जन्म होकर नासरत में आकर बड़ा, जन्म तो उसका बेतलहम में हुआ, वो लोग को जानकारी नहीं था, इसलिए वो सब बोल रहे हैं नासरत से थोड़ी मसीहा आएगा, इसलिए ये मसीहा नहीं है, ऐसे तुरंत वो लोग श्राप देते हैं, ये जनता क्या गया, ये इसके पीछे जा रहा है, नासरत से थोड़ी मसीहा आएगा, बेतलहम में से आएगा, इसलिए जनता श्रापित हुए हैं करके देखे, इतना बुरी बात बता रहे हैं। ऐसे लोग हम भी कई बार दूसरों के बारे में जानने बगैर हम बुरी विचार से हम भर जाते हैं दूसरों के प्रति, लेकिन हम अपना मन को हम जानकारी लेना है, प्रिय भाई बहन प्रेम देना है, और हमारा मन का विचार को हम करना है, उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे बदलना है। दूसरा कुरिन्थी 10वां अध्याय में पौलुस अच्छा से लिखेंगे, दूसरा कुरिन्थी 10वां अध्याय में एक अच्छा वचन पौलुस लिखा है, वो 4 और 5, दूसरा कुरिन्थी 10:4-5 में ऐसे लिखा, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को डा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य सामर्थ्य है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं,
और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। प्रिय भाई बहन, हमारे जीवन में हमारा मन में कई विचार आ सकते हैं, लेकिन उस विचार जब बुरी विचार गए, बुरा विचार गए, तब हमको क्या करना है, हमारे पास हथियार गए, एटम बम गए, बड़ा बड़ा टैंक गए, गन गए, गोली गए, ये सब मिसाइल गए, ये इस विचार को डा देने के लिए, चूर चूर करने के लिए, वो क्या गए, प्रभु का वचन गए, प्रभु का वचन ही एटम बम गए, प्रभु का वचन ही गन गए, गोली डालकर उधर वो उसको मारेंगे। मतलब अब समझ लीजिए, प्रभु का वचन एक हथियार है, उसको लेके 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 जो जो बुरा विचार हमारे जीवन में है बढ़ रहा है। इधर देखो गढ़ गढ़ एक बड़ा गढ़ बना रहा है, राजा लोग बनाते हैं अपना राजधानी के चारों ओर गढ़ बनाते हैं। वो गढ़ कैसे बनता है, बड़ा बड़ा पत्थर से बनता है। हमारा विचार भी एक एक विचार बड़ा बड़ा पत्थर है, हम उसमें अच्छा पत्थर वचन के अनुसार अच्छा पत्थर डाल के हम बनाएंगे, या अच्छा वचन को लेकर हम बनाएंगे, हमारा विचार को वचन से भर के रखेंगे, हम अच्छा से एक महल, सुंदर प्रभु रहने के लिए भवन, पवित्र आत्मा प्रसन्न होकर उसमें रहने के लिए, त्रिएक परमेश्वर प्रसन्न होने के लिए भवन बना सकते हैं। लेकिन जब हम बुरा विचार से हम झूठ को कोई जानकारी के बगैर, इधर पौलुस कहते हैं ना, देखो जो पहचान के विरोध, परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है। परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का काम करने का तरीका क्या है, परमेश्वर कैसा व्यक्ति है, परमेश्वर क्या क्या चाहते हैं, ये सब जानने बगैर जो जो शैतान की झूठ है उससे हम अपने आप को भर के रखेंगे, वो बड़ा बड़ा पत्थर समान एक एक विचार से हम एक गढ़ बनते हैं, बनाते हैं। वो गढ़ किसके लिए, रहने के लिए जगह बन जाता है, मालूम है प्रिय भाई बहनों, शैतान और उनके भूतों के लिए जगह बन जाता है। बुरी विचार से, शैतान की झूठ से, परमेश्वर को जानने बगैर जो जो विचार हम उसका विरोध में हम करते हैं, बड़ा बड़ा पत्थर समझ लीजिए, उससे हम गढ़ बनाते हैं। बड़ा बड़ा पत्थर से बनाएंगे तो जल्दी ऊंचा हो जाएगा, उसके बाद में उसके पीछे, उसका अंदर आकर, उस गढ़ का अंदर आकर कौन निवास करेगा, शैतान और उनके भूत, डीमंस, अशुद्धात्माएं आकर उधर रह कर काम करने लगेगा। प्रिय भाई बहन, तब हमारा जिंदगी बिगड़ जाएगा। इसलिए सोच है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पौलुस इधर कहते हैं, परमेश्वर का वचन एक हथियार है, उसको लेकर ही हम एक एक ऐसे बुरा विचार का ऊपर हम जय पाते हैं। हर एक कल्पना और हर एक ऊंची ऊंची बातें दुनिया में देखिएगा, पेपर में आता है, मनुष्य लोग कितने बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें बताते हैं परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के बारे में, और आत्मिक मंडल में जो जो वो लोग देखा नहीं, अनुभव नहीं किया है, अभी तक प्रकट नहीं हुआ है, ऐसी चीज़ों को भी इतने घमंड के साथ कोई कोई लोग लिखते हैं, बोलते हैं। गलत उपदेश वाला कभी कभी कितना हिम्मत के साथ वचन का विरोध में बोलते हैं, शैतान का झूठ को वो लोग विश्वास करते हुए, ये सबको डाने के लिए, ये सबको गिराने के लिए केवल एक ही एटम बम है, एक ही एटम बम वो ऐसा कार्य करेगा। एक एक वचन को लेकर उस बुरी विचार को आप सामना कीजिए, जरूर उस विचार आपका अंदर से चला जाएगा। प्रिय भाई बहन, हम देख सकते हैं हमारा जो विचार है वही हम है, वही हम है। अभी देखिए, कोई कोई सोचते हैं बाहर रीति से देखते हैं, ये व्यक्ति कितना अच्छा है। कभी कभी एक कभी कभी मैं कभी कभी देखा है कोई सुंदर औरत लोग होंगे, बहुत सुंदर औरत लोग, सुंदर औरत होगी, लेकिन वो लोग जब तक मुंह नहीं खोलेंगे हम सोचेंगे कितना सुंदरी है, कितनी अच्छी अच्छी होगी करके, जब मुंह खोल के एक दो बात बताती है तब हमको पता चल जाता है, छी ये क्या है,
इस बहन के अंदर ये बुरी विचार, इतना बुरी विचार गए। फिर ये भाई बहन बागर की सुंदर, बागर की जो शरीर गए, वो भी हम गए, हम एक तंबू में रखते हैं, लेकिन बहन गए, हमारा विचार उससे हम बनते हैं, हमारे विचार ही हम गए, पर्सनालिटी। इसलिए विचार को हम संभालना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ऐसे एक अच्छा से सोना से बनाए हुए एक बड़ा बर्तन है, वो एक उसको एक स्टाव में रखे, वो उसके अंदर कुछ गया है, उबाल रहे हैं। आप ऐसे सोच लीजिए, वो थोड़ा ऊंचा जगह में है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है, वो सोना का बर्तन का अंदर जो चीज़ अंदर गए उबाल रहा है, हमको पता नहीं चल रहा है, हम थोड़ा नीचे जगह में है, ऊपर रखा है उबाल रहा है, हम देखेंगे वो ये सोने का बर्तन कितना अच्छा गए, सुंदर गए, इतना सुंदर गए। तब अचानक क्या होता है, उबाल के अंदर जो गए ऐसे बाघ आकर गिरता है, जैसे हम चावल बनाते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, वो ज़्यादा उबालते 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 वो बाघ गिर जाता है आकर। जब बाघ गिरता गए उधर शायद संडास रगेगा तो कैसे लगेगा, बागर तो बर्तन पूरा अच्छा सोने का बर्तन, लेकिन उसका अंदर संडास पानी के साथ रह रहा है, उसको उबाल रहे हैं, ऐसे संडास गिर रहा है, इतना बदबू, कोई भी उधर उस बर्तन को देखेंगे भी नहीं, उस बर्तन के पास जाएंगे भी नहीं, उसको छुएंगे भी नहीं। यही है मनुष्य का विचार अंदर अंदर रहता है, बागर रीति से हम अच्छे से दिख सकते हैं, लेकिन हमारे विचार हमको बनाता है। देखिए मनुष्य का विचार कैसा गए, एक फैक्ट्री सामान गए, उधर सब कुछ बन रहा है, बन रहा है प्रोडक्ट, बन रहा है, शुरू शुरू में सब स्पेयर पार्ट्स बन रहा है, जब बागर आएगा स्पेयर पार्ट्स जब जुड़ जाएगा एक चीज बन जाता है। अब कोई भी फैक्ट्री में देखिए अलग अलग जगह में स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं, फिर उसके बाद में एक जगह में सब स्पेयर पार्ट्स को जोड़कर वो एक चीज़ बनता है। हमारा मनुष्य का विचार भी ऐसा है, वो स्पेयर पार्ट्स बनता है उधर, जब हम मुंह खोलकर बात करने लगते हैं, जो भी स्पेयर पार्ट्स को हम जोड़ेंगे वो बाहर आता है। हम कोई बुरे चीज़ का स्पेयर पार्ट्स हम बनाते हैं तो वो हमारे शब्द में वो आता है, एक बुरी चीज़ का आकार हो जाता है। यही है प्रिय भाई बहनों। इसलिए एक बार मैं एक चैनल में देख रही थी, एक डिस्कवरी चैनल जैसा एक चैनल में, उसमें ऐसे दिखाया एक मगरमच्छ बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा, वो एक अलग वैरायटी का था, उधर उस एक नदी में वो रहता था, कई मगरमच्छियाँ, बहुत बड़ा जायंट मगरमच्छा जैसे था वो क्या करता था, आजू बाजू विलेजेस में गांवों में कई लोगों को खाकर मार डालते रहता था। तब कोई एक्सपर्ट्स आए उसको पकड़ने के लिए, उसका उस पकड़ के ये करने के लिए, तब वो लोग क्या किया, कोई कोई मगरमच्छ पकड़ में आया लेकिन कोई कोई मगरमच्छ पकड़ में नहीं आया, उसलिए वो लोग क्या किया, ढूंढ 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 के मगरमच्छ कहाँ अंडा डाला है, उस अंडा को वो लोग नाश करते थे, 10-15 अंडा है तो वो लोग नाश करके आनंद मनाते थे, क्योंकि 15 अंडा को मार दिया तो 15 मगरमच्छ को मार दिया, ऐसा ही सोच लीजिए करके अलग अलग जगह में, गुप्त गुप्त जगह में वो लोग कोने कोने में जाकर अंडा को ढूंढा, कई अंडा को वो लोग नाश किया है। बहुत इसमें हमको सीखने के लिए मिलता है, हमारा मन भी एक अंडा डालने का जगह है, शैतान अंडा डाल सकता है कोई कोई बुरा काम के लिए, जैसे अंडा, एक अंडा अंडा रहता है, अंडा अभी एक मुर्गी गया तो 21 दिन 22 दिन तक वो अंडा के रूप में रहता है, अंडा के अंदर चिकन बन ऐसे बढ़ता है, लेकिन 21 दिन के बाद में बाघर जब आएगा तब चिकन आएगा, तब तक वो अंडा के रूप में रहेगा। ऐसे ही हमारा विचार, जो जो हमारा विचार गया अंडा डालने वाला जगह, प्रिय भाई में दर्शन उधर से उत्पन्न होता है, इसलिए हम हमारा विचार को अच्छी चीज़ों से भर के रखना है, परमेश्वर का वचन के अनुसार हमारा हृदय का हमारा मन को बदलते जाना है। अब देखिए कोई भी
अंडा में हम नाश कर देंगे वो, अब वो दुष्ट कार्य दुष्ट शब्द बाहर नहीं आएगा। कितना अच्छा है, जैसे मैं बोली ना वो मगरमच्छ का अंडा, कितना वो लोग मना रहे थे उसको, मार मार कर वो अंडा को नाश करते करते वो लोग इतना खुश हो गए हैं। प्रिय भाई बहन, वही काम हम भी करना है, क्योंकि देखिए मनुष्य का कोई भी इन्वेंशन, कोई भी वो ढूंढ लिखा भी, बिजली ढूंढ निकला निकाला, जहाज ढूंढा, हवाई जहाज प्लेन्स ढूंढा, जेट्स ढूंढा, मनुष्य कितना कितना ढूंढा, कंप्यूटर ढूंढा है, ये सब कैसे आया? एक व्यक्ति का मन का अंदर कुछ विचार अंडा का रूप में शुरू हुआ, वो बढ़ते 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 वो कार्य में वो करने लगा, तब प्लेन बना, तब कोई मशीन बना, तब कुछ कार बन रहा है, स्कूटर बन रहा है, कोई भी चीज़ बन रहा है, सब पहले पहले अंदर एक व्यक्ति का विचार में अंडा के रूप में वो शुरू हो रहा है, तब बागर प्रकट हो जाता है। अच्छी चीज़ भी ऐसा है, कोई कोई प्रिय बड़े बड़े सेवकाई के बारे में सोचिए, हम सेवकाई हम सोचते हैं हाँ ये सेवक कितना बड़ा, अब इतना साल कितना अच्छा किया, ये किया, सचमुच में किया है, उसका शुरुआत कहाँ हुआ? उस सेवक कई साल के पहले उसका मन का अंदर मैं प्रभु के लिए सेवकाई करना आ गए, आत्मा जीतना आ गए, प्रभु के लिए मेरे जीवन को अर्पण करना करके उसका मन का अंदर जो विचार पहले एक बीज समान एक अंडा समान शुरू हुआ, तब वो दर्शन बागर वो करने लगा तो बड़ा सेवकाई बन गया, कई हजारों लोग उद्धार पाए उसके द्वारा, कई लोगों को चंगाई हुआ, कई लोगों को जीवन बांधा गया। प्रिय भाई बहन, ये सब हमारा मन का अंदर जो विचार गया उसमें ही सब कुछ है, इसलिए हम सावधान रहना है प्रभु, इसलिए ये लोग डांट रहा है, तुम्हारा मन अपना अपने अपने मन के अंदर अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? फिलिपियों का पुस्तक में पढ़ सकते हैं, फिलिपियों वो पढ़ के हम खत्म करेंगे। फिलिपियों का 4वां अध्याय में 8वां वचन पढ़ सकते हैं, फिलिपियों का 4:8, हम क्या क्या हमारा मन से क्या क्या भरना है, 8:4-8। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो, ध्यान लगाया करो, उससे अपना मन को भरो, उसके बारे में ध्यान करते रहो। जो जो इस चीज से पौलुस लिखा है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। पालन करने के बाद में बात में बोल रहा है, पहले ध्यान लगाओ, ध्यान करो, इसके बारे में सोचते रहो। फिलिपियों का 4:8, ये सब चीजों हम सोचते रहेंगे, अपना प्राण को प्रभु का वचन से हम बदलते रह जाएंगे, बदलते जाएंगे, जरूर हम अपना जीवन में सफलता पा सकते हैं, बुरी विचार से हम बाहर आ सकते हैं, शैतान के जो जो झूठ के द्वारा गढ़ बनता है मन में, उसको हम ढा सकते हैं, उसको गिरा सकते हैं, क्योंकि हम देखिएगा हमारा विचार के लिए कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, केवल हम ही जिम्मेदारी है। आप जो विचार आप कर रहे हैं 100% जिम्मेदारी आपका ही है, परमेश्वर भी नहीं है, परमेश्वर भी नहीं है। प्रिय भाई बहन, सोचने का अच्छा से, हम पूरा पूरा हम क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है हमारा हाथ में है। कई लोग ऐसे ही जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, इसलिए वो लोग बदलते नहीं है, जिम्मेदारी लेना है। कोई भी चीज़ बाहर आ जाता है, कुछ शब्द हम बोल देते हैं, कोई क्रिया कोई काम कर देते हैं बुरा काम, तब हमको तुरंत बोलना चाहिए, बहन सारी भाई सारी, मैं ऐसे आपके बारे में कुछ गलत विचार रखी थी, इसलिए मुंह में आ गया, काम में आ गया, सारी मुझे माफ कीजिए, ऐसे जिम्मेदारी लेना। क्योंकि विचार कौन करते हैं? अपना अपना विचार हम करते हैं, कोई दूसरा उसके लिए कारण नहीं है। इसलिए परमेश्वर सबके लिए आज़ादी दिया, लोग अपना अपना सोच के अनुसार अपना अपना
एक रोड बनाते हैं जाने के लिए, रोड। अब सोचिए रोड बनाना है तो कैसे कैसे रोड बनता है। अभी एक गांव से दूसरा गांव के लिए रोड बनाना है तो पहले से वो लोग को मालूम है, लाइन बनाते हैं, इधर अभी पत्थर रखना है, कपची डालना है, तार डालना है, ये सब ऐसे करके 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 फिर पहुंच ही जाता है एक गांव से वो दूसरा गांव के लिए रोड पहुंच जाता है। लेकिन पहले शुरू करने के समय में पूरा पूरा रोड ऐसे बना बना नहीं आता है, पहले पहले ऐसे कब्जी डालते हैं, कुछ पत्थर डालते हैं, मिट्टी डालते हैं, ऐसे करके 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 जाता है। वैसे ही आपका एक एक विचार से आप रोड बना रहे हो, आपका आप कहाँ पहुँचने वाले हैं, आपका एक एक विचार रोड बनाने वाला मटेरियल है। अब उस रोड बनाने वाले मटेरियल को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, अच्छा मटेरियल डाल रहे हो, आपका विचार अच्छा विचार गए, परमेश्वर का वचन के आधार पर गए, तो आप जो रोड बना रहे हो, आप पहुंचने के लिए जो मंजिल गए उसके लिए जो रोड बना रहे हो वो मंजिल अच्छा मंजिल होगा, अब उधर अच्छा जगह में आप जाएंगे। लेकिन आप जो रोड बनाने वाला, आपका जिंदगी का रोड बनाने वाला मटेरियल आपका मन में जो रखे हैं वो बुरी है, तो शैतान के झूठ से भरा हुआ है, तो शैतान का और दुनिया वाले जो जो बोलते हैं, अविश्वासी लोग का जो विचार है उसका बातों बातों को आप वो विश्वास करते हुए उस मटेरियल से आप विचार करते हैं, तो आप रो ऐसे सोचिए आप रोड बना रहे हो, आपका मंजिल सही नहीं रहेगा। ये सब आपके हाथ में है प्रिय भाई बहन, इसलिए परमेश्वर का वचन का ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। परमेश्वर का वचन हमें बदल सकता है, परमेश्वर का वचन के अंदर सामर्थ्य है। वचन को पढ़िए, वचन को सुनिए, हमारा विचार, हमारा रोड बनाने वाला मटेरियल अच्छा रहेगा। सारे गढ़ जो जो शैतान बना के रखा गया उसको चूर चूर करके शैतान छुपने के लिए स्थान नहीं रहेगा, वो बाहर जाना ही पड़ेगा, वो भाग जाएगा छुपने के लिए। कोई भी कॉकरोच को देखिए, कुछ रात में इधर उधर रेंगने वाले कुछ चीजों को देखिए, अंधकार में ही वो रहना चाहता है, जब लाइट डालते हैं वो छिप जाता है, भाग जाता है, इतना स्पीड में भागता है। वैसे ही होता है परमेश्वर का वचन को हम अंदर लेते जाते हैं, जो जो बुरा विचार जो जो ऐसे गढ़ सब गिरते जाता है, हम अच्छा रोड बनने वाले बनते हैं, अच्छा रोड बनकर बनाने वाले बन जाते हैं, अच्छा रोड बनाकर हम जाते रहेंगे। जब रोड बन जाएगा लास्ट में हम कहाँ पहुँचेंगे, स्वर्ग में पहुँचेंगे। एक अच्छा इनाम हमारे लिए प्रभु रखे हैं, सब कुछ हमारे लिए अच्छा भविष्य होगा। इसलिए प्रिय भाई बहन हमारा मन में क्या सोचते हैं उसके बारे में आप ध्यान देना है। इसलिए प्रभु इधर शास्त्रियों को डांटता है, तुम मन में क्या सोच रहे हो करके, इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष करेंगे। आमीन।